भारत के बंटवारे के ऊपर चुनाव था, या तो अखंड भारत या भारत के दो टुकड़े। 95% मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग जीती। मोहम्मद अली जिन्ना बायकला से चुनाव जीते थे, मुंबई का एक इलाका है, जिन्ना चले गए, यहीं रहे, ये बाकी रहे, समर्थक यहां पर रह गए। भारत के सारे मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दे दिया, तो मुस्लिम लीग पूरी तरह से भारतीय मुसलमानों की प्रतिनिधि बन गई। जो अखंड भारत था उसकी 25% आबादी जो थी वो मुसलमानों की थी। उस वक्त जब भारत आजाद हुआ था तो कम से कम भारत में 4.25 करोड़ मुसलमान थे। भारत के किस इलाके से कितने मुसलमान जो है पाकिस्तान पहुंचे? बंटवारे के बाद सिर्फ 72 लाख मुसलमान जो है पाकिस्तान गए, और मतलब एक चौथाई भी नहीं गए। 55 लाख उसमें सिर्फ पंजाब पंजाब के थे। अब पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा से 7 लाख मुसलमान गए। मतलब उत्तर प्रदेश और दिल्ली यहां से सिर्फ 4,65,000 मुसलमान पाकिस्तान गए। 2,35,000 मुसलमान राजस्थान के इलाके से, महाराष्ट्र, गुजरात जहां से जिन्ना चुनाव जीते थे वहां से सिर्फ 1,60,000 मुसलमान गए। तो भोपाल और हैदराबाद से सिर्फ 95,000 मुसलमान गए, और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से सिर्फ 18,000 मुसलमान गए। तो ये चीज मालूम होना चाहिए कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो कभी पाकिस्तान गए ही नहीं।